पूज्य अशोक बाबा जी कथा में बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे थे कि ये पूर्ण चैतन्य है। क्या बोले? रोम रोम में चैतन्य है, ऐसा बोला था। ये शरीर मां के उस शरीर को, जिसको हम कहते हैं शरीर, को 65 से देखते रहे और मां के महासमाधि उनके शरीर के प्राण के 2 घंटा पहले तक भी देखा है। शाम को आए, हम लोग बैठे थे मां के पास में, मां बात भी किए थे, ऐसा ही 6 बजे और 8:10 के पहले मां ये शरीर छोड़ के चला गए। पृथ्वी पर तो है, अभी है, क्योंकि हमने मां को कभी शरीर में देखा नहीं है। पूर्ण ब्रह्म नारायण जो कहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म शुद्ध नारायण, उसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम एकम नित्यम विमलम अचलम। ये मां है जो एक है, निर्मला तो नाम था ही था, चरित्र भी निर्मल है। एकम नित्यम विमलम अचलम, मां को आना जाना नहीं, क्योंकि एक बार मां जो है वो हरिद्वार के आश्रम में, जहाँ ऑफिस है, ऑफिस के ऊपर कमरा, इधर से लोबी में जाओ तो लास्ट कमरा, तो वहां रही मां। अब हरिद्वार कुछ भी काम पे आए तो मां का पास में जाने का अभ्यास था, वो वजह से छोटे बच्चे दौड़ के जाते ऐसे ही जाते थे। कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी रही माँ, उसमें कोई शंका नहीं, रहनी है, किंतु फिर भी हम हमेशा बच्चों के जैसे अभी भी ऐसे आते। वो माँ हमेशा कहती है बाबा को ये शरीर का नमो नारायण नमो नारायण बोलना। बोले बाबा तो बहामास में, एक दो दिन के बाद फिर आए, बाबा को ये शरीर का नमो नारायण। माँ बाबा तो अभी अमेरिका चले गए। माँ एकदम से बोले अभी बाबा को आना जाना है, ऐसे बोल दिए। जब बाबा को आना जाना नहीं है तो माँ को आना जाना कैसे हो जाएंगे? खग की भाषा खग ही जाने, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि राम तीर्थ आश्रम में जब श्री श्री माँ का जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव हुआ तो वहां ब्रिगेडियर सबरवाल भी रहे, महाराज जी भी रहे, हम भी रहे। ओ माँ को बस समाधि अवस्था में नहीं लाए, लाकर के उनको लेटा दिए, और फिर वो जो महाराज जी जैसे पूजा करते हैं, बहुत पूजा करके 40-50 साड़ी उनके ऊपर डाल देंगे और कहीं 2-4 मन इतना फूल गुलाब डाल देंगे, पद्म माला डालेंगे, क्या क्या डालेंगे डालेंगे माँ इसे। ब्रिगेडियर सबरवाल साहब ने कहा कि हमारे गुरुदेव को, ये स्वामी जी आज तो माँ इतनी गहन समाधि में आई, और आने के साथ जब उनको लेटाया गया तो वो देहातीत अवस्था में समाधि में चली गई। हमारे गुरु महाराज बोले नहीं, शी टुक ए हेल ऑफ ए टाइम टू रीच इन दैट। बताओ, बोले बहुत समय के बाद में वो उस समाधि के अंदर में चली गई थी। अभी वो माँ उधर है, स्वामी जी इधर है, कौन बोलते हैं? इसलिए माँ स्वयं ही कहती थी, हमारे आश्रम में एक अरुणा जी भाई, वो डॉक्टर ही MD, मगर वो माँ के साथ बहुत ठट्ठा करते, क्योंकि उनके माता पिता माँ के बहुत भक्त थे, आश्रम की ब्रह्मचारिणी भी रही वो, तो इसलिए माँ के पास में ठट्ठा भी करती थी। माँ हमेशा बोलेंगे बाबा 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 माँ 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 तो बोलते थे। वो अरुणा माता जी ने पूछ लिया, माँ आप बाबा बाबा बोलते हो तो ये बाबा और माँ में बड़ा कौन है? एक क्षण भी नहीं बिता है। माँ बोले BA MA एक होता है, ऐसा बोलती है। ये क्या माँ है? अपने अपने ख्याल में रहती है। हाँ, हम लोग के आश्रम में 3 महात्मा है, एक तो कृष्णानंद स्वामी जी वो ज्ञान में है, और हमारे भक्ति वाले तो स्वामी माधवानंद जी महाराज रहे,
तो माँ बोलती थी ये शिवानंद आश्रम में बाबा माधवानंद भक्ति लाइन में है और बाबा कृष्णानंद ज्ञान लाइन में और बाबा चिदानंद एयरलाइंस में है। वो ऐसे वो बड़ा विनोद में वो ऐसे है। ओ क्या बोलते हैं अभीष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे वच निर्ममो निरहंकार समह दुख स्वक्षमि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित। ये हमारे एक साधक के गुण है वो जो सर्वसिद्ध सर्व संपन्न सर्वसिद्धमयी भगवती जगत जननी वो इन तमाम से परे। क्योंकि ये जब जहाँ अभी समाधि मंदिर है वहाँ पहले एक पीपड़ का पेड़ था और जो ये हमारा क्या है यज्ञशाला है वहाँ माँ को बैठा करके ये माँ के तिथि पूजा के पहले उत्सव वहाँ होता था। वहाँ होता था ये आशीष महाराज आते थे इतना सब टोकरी लेकर के 50 टोकरी पर लेकर के तो उधर माँ के चारों ओर सब जो ब्रह्मचारिणी चुना मना है ऐसे बोलती रहती थी चुना मना है ऐसे बोलती रहती थी। तो कोई अंग्रेज बच्चा आ गया तो चुना मना है माँ बोलती कम इतना प्यार से उसका गुलाब लिया। फिर माँ उसको बोली थैंक यू। वो इतना बच्चा खुश होकर चला गया। और ये जो घटना घटी है तो सारे अंग्रेज लोग देखना गड़बड़ करने देखे तो यू सिट डाउन ऐसा भी फिर माँ बोलती। माँ को हमने अपने ऐसी अवस्था में देखा है वो भावातीत है गुणातीत है वो एक तत्व है चैतन्यमय केवल चैतन्य जागृत चैतन्य। क्योंकि ये शरीर जब ब्रह्मचर्य अवस्था में पीला कपड़ा रहे सिखाते हमारे गुरु महाराज हमसे कहे एक पेरिस की ब्यूटी क्वीन ऑफ पेरिस रही मैडम सिमोनिता कोलोना दशरो वो फैशन डिजाइनर भी रही। स्वामी जी ने कहा जाओ इनको माँ का दर्शन के लिए लेके जाओ। और अष्टमी दुर्गा पूजा की बघाटा हाउस में रहा खड़खड़ी में वहाँ पर स्वामी जी ने बोला था डोंट ट्राई टू पुश योर सेल्फ हाँ पूजा इज हैपनिंग बी ए लॉन्ग डिस्टेंस इन केस इफ पॉसिबल गार्लन ऑन माई बी हाउस ओके। बहुत सुंदर फूल के माला हम लोग सुभाष ब्रिज से लेके आए थे दो माला रहे बहुत खड़े रहे हमने। वो एक बड़ा एक बैरोकेट है यहाँ पीछे तो दुर्गा जी की मूर्ति है माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं और सुंदर मुकुट किरट है बहुत सुंदर बड़ा साली है पद्म कमल के बहुत माला है माँ ऐसे भाव समाज वो शरीर में से परम तत्व में हम लोग दूर खड़े ऐसा होगा कोई 1200-1500 के काफी ऊपर इतने लोग थे। हठात से माँ उठी है उठ करके जो बैरिकेड है उसमें उधर दरवाजा है माँ यहाँ बैठी है दुर्गा यहाँ है उधर दरवाजे के पास में दीदी बैठे दीदी वो उधर से एकदम बाहर निकले हमारे पास में आकर के बाबा बाबा क्यों खड़े हैं ये शरीर का पांव दर्द करता है हम खड़े उल्टे ये शरीर का पांव दर्द करता है हमारा हाथ पकड़ के माँ लेके गई। जब लेने गए तो साथ जो ब्रह्मचारी लोग थे अरे ब्रह्मचारी भीतरे जाते ओके गंगा जल दाओ गंगा जल दाओ। तो दीदी क्या बोल रही है गंगा नीचे नीचे जाते आबार गंगा जल केनो दरकार हाँ वो कहती है इनके जो पूजा के अंदर जो जाएगा उसको गंगा जल तो छिड़के तभी तो अंदर जाएगा ना फूल फल जो कुछ भी है। तो कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी भीतर जा रहा है भाई उसको गंगा जल दो। दीदी ने बोल दिया वो गंगा स्वयं जब लेके जा रही है गंगा जल ये एक अलग अवस्था है क्योंकि दीदी है उनके शिष्य माँ के सेवा में बचपन से रही और जो बचपन से रही इसलिए वो दीदी ने जो अनुभूत किया वो एक असाधारण अनुभूति थी। हाँ न भूतो न भविष्यति ऐसा न हुआ है न होगा क्योंकि नहीं तो ये माँ का प्रादुर्भाव है वो जैसे हम
अपने गृहस्थियों के यहाँ जैसे बच्चा जन्म लेता है, ऐसे माँ का जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट ही हुई है रसोई में। सवेरे कोई 3 बजे उनकी कोई दादी चाची कोई रही, उठी देखा कि रसोई घर में एक बालक खिलखिल करके हंस रहा है। तो बाद में जो पूछा भी गया था माँ को, तो ये आप उस समय क्यों हंस रही थी, बोले मकान में छोटा छोटा छेद थे ना, तो ऊपर से डाली यूं हिलती थी, तो चंद्रमा की किरणें कभी आती है कभी नहीं आती है, उसको देख करके शरीर हंस रहा था। ये ऐसी जो अवस्था है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग हर साल यहाँ आ जाते हैं, तो रिचार्जेबल बैटरी टू एग्जिस्ट इन द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट सुप्रीम ब्लेसेडनेस, जो परम चैतन्यमयी है, उसमें अपनी चेतना को जोड़ने के लिए हम लोग जो आते हैं, बड़ा सौभाग्य है। आते रहना, फिर भी बोलता हूँ आते रहना, तीसरी बार भी बोलता हूँ आते रहना, क्योंकि शिशि माँ की ही एक बात है, बोल के पूरा कर देंगे। माँ ने ही कहा, बाबा जो सांप और नेवला है दोनों का बहुत लड़ाई होता है, लड़ाई होने में नेवला में तो विष कम है, सांप में तो ज्यादा है, मगर फिर भी नेवला जीतता है। बाबा क्यों पता है, वो लड़ते लड़ते जब नेवला थक जाता है, कोई वनस्पति को सूंघ के आता है, वो सूंघ करके आ गया, फिर नया स्फूर्ति से नया ताजगी से फिर युद्ध करता है, लड़ाई करता है, फिर थक जाएगा, फिर जाके सूंघ लेगा, बस। वो सांप का तो एक ही शक्ति, धीरे धीरे सांप तो क्षीण हो जाएगा, नेवला जीत गया। ये संसार बड़ा सर्प है, हम लोग सब नेवले हैं, इसलिए ये पूरा क्या होते हैं, साल भर में जब हमने संसार सबसे लड़ते लड़ते थक जाएंगे, 31 जनवरी से 7 फरवरी तक यहाँ आना चाहिए। और हमारे दीपावली के बाद में सप्तमी से पूर्णिमा तक माँ का आश्रम में जाना चाहिए। मैं लोभी हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर क्या करूँ, संस्था में हूँ, ऐसे करके रहता हूँ, फिर भी मौका पड़ने से आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि माँ से कभी विमुख नहीं रह सकते, माँ एक है, हम लोग सब शून्य हैं, माँ है तो हम हैं, प्रत्येक सांस में इन ईच ब्रेथ माँ को ही अंदर आते जाते अनुभूति करो, यू विल फाइंड ए न्यू एनर्जी, द वेम्स एंड विगर, द विजिलेंस एंड डिविजिलेंस, द लाइट एंड पावर, द इटर्निटी एंड डिविनिटी, नथिंग विल बी लैकिंग इन यू, बिकॉज देन यू विल बी नॉट देयर, माँ विल बी फंक्शनिंग थ्रू यू। जय माँ, ओम शांति। Mm-hmm.